हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं NIOS भर्ती 2021 के बारे में, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में जो है वैकेंसी निकाली गई है। कई तरह के अलग अलग पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, इसमें असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और भी कई सारे अलग अलग पोस्ट हैं जिसमें हम आपको फॉर्म फिल करके बताने वाले हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर फ्रेंड जारी हो चुका है और फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है, तो एक एक स्टेप को समझेंगे कैसे आपको जो है इस फॉर्म के लिए आवेदन करना है और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ए टू जेड गाइडलाइंस मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डीएस हेल्पिंग फॉर एवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, NIOS भर्ती 2021 का फॉर्म फिल करने के लिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पे, dshelpingforever.com की वेबसाइट पे, और यहां पे आपको जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के रिगार्डिंग यहां पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप एक नजर में यहां पे देख सकते हैं, जैसे कि कितना पोस्ट है और इंपोर्टेंट डेट्स क्या है, कब से कब तक फॉर्म फिल करा जाएगा, अप्लीकेशन फी कितना लगेगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग जो है ग्रुप वाइज वैकेंसी जो निकाली गई, जैसे ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए, ग्रुप सी के लिए, उसके वजह से एज लिमिट यहां पे बताया गया है, ग्रुप ए में कितने प्रकार के पोस्ट है, उसके वजह से ग्रुप बी में कितने प्रकार के पोस्ट हैं, उसके वजह से ग्रुप सी में कितने प्रकार के पोस्ट हैं। असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर के 3 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के 36 पोस्ट हैं, और ये जो वैकेंसी मैंने आपको बताई है सब जो है 12वीं पास पे है। और यहां पे देखिए, असिस्टेंट के लिए बोला गया सीनियर सेकेंडरी पास होनी चाहिए और यहां पे जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए काम करने के लिए, नथिंग ड्राफ्टिंग नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के नॉलेज होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश का होना चाहिए। उसके वजह से आपको जो है कंप्यूटर टाइपिंग भी 8000 की डिस्क्रिप्शन पर आवर आपको होने चाहिए, तो टाइपिंग स्पीड यहां पे होता है। उसके वजह से स्टेनोग्राफर बोला गया है, स्टेनोग्राफर 80 हिंदी या इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट आपको होने चाहिए। उसके वजह से जूनियर असिस्टेंट के सीनियर मतलब 12वीं पास और वर्किंग ऑन कंप्यूटर होने चाहिए और 6000 की डिस्क्रिप्शन आपको पर आवर होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश का नॉलेज आपके होनी चाहिए। बाकी इसी तरह से कई सारे यहां पे वैकेंसी निकाली गई जो कि यहां पे देख सकते हैं और यहां पे आपको जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप नीचे आएंगे तो यहां पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको जो है फुल पेज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह, उसके बाद से कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या आपका सैलरी मिलने वाला है, ये आपको यहां पे जो है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से यहीं पे आपको देखिए ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, लॉगिन का लिंक मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहां पर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे सबसे पहले जो है आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं। तो यहां पे देखिए, आपको जो सबसे पहले पोस्ट की चॉइस करनी है कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए यहां पे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो हम जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए आवेदन करके आपको दिखाएंगे, उसी बेस पे आप सब जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहां पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है, फिर यहां से अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, उसके बाद यहां से अपना जो है जेंडर चूज करेंगे, उसके बाद से आप जो है यहां पे फादर्स नेम, फिर यहां पे मदर्स नेम, फिर यहां पे आप शादी है, मैरिड है कि अनमैरिड है, उसके बाद यहां पे मोबाइल नंबर, यहां पे आपको ईमेल आईडी, उसके बाद यहां पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है तो आपके उस मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे ओटीपी चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया, आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये एक प्रकार का जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था है। जिस तरह से आपको याद होगा डीएलएड का सारे फॉर्म जो यहीं से भराए थे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो फॉर्म आप लोगों ने फिल करा था, उसके वजह से स्टेट वाइज यहां पे लागू हो गया। तो ये NIOS जो है कई तरह के कोर्सेज वगैरह कराता है, तो इसी में वैकेंसी निकाली गई है। ये गवर्नमेंट संस्था है, आप जो है नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन मैंने बताया कैसे डाउनलोड करना है। चलिए बात करते हैं आगे प्रोसेस के बारे में। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद से यहां पर आपको कैटेगरी चूज करना है कि आप जनरल हैं, एससी एसटी ओबीसी क्या है। उसके बाद यहां पे आपको जो है विकलांगता के बारे में पूछ रहा है, अगर आप इसमें से कोई विकलांग है तो चूज करेंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल चूज करेंगे। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहां पे आपको यहां पे यस करना होगा, नहीं है तो यहां पे आप नो करेंगे। जब आप ओटीपी वेरीफाई कर देंगे, यहां पे प्रोसेस हो जाएगा, तब आपको यहां पे नेक्स्ट बटन दिखाई देगा। तो जब तक आप ईमेल और मोबाइल का ओटीपी नहीं वेरीफाई करेंगे, यहां पे नेक्स्ट बटन नहीं आएगा। तो ओटीपी वेरीफाई करके ये चीज आपको भरना, फिर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब जो है ये आगे प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। आगे प्रोसेस होते ही फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार से बोल रहा है कि बेसिक डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, और इस तरह से जो है आपका नाम ऊपर में कॉर्नर पे दिखाई देगा, डैशबोर्ड आपका आ गया है। अब यहां पे आपको अपना जो है एड्रेस फिल करना है। जैसे सबसे पहले बोला गया है कि आपका हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, एरिया, विलेज, वार्ड नंबर, लैंडमार्क, यहां पे अपना राज्य का नाम चूज करेंगे, फिर यहां पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, फिर यहां पे आपका एरिया का पिन कोड क्या है, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं 6 डिजिट का, ये जो भी आप जानकारी भरेंगे ना, आपके अपने आधार कार्ड पे मेंशन होता है सारी एड्रेस, आप उसी हिसाब से अपने आधार कार्ड हिसाब से यहाँ पे भरेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपडेट करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करने का ऑप्शन आएगा।
यहाँ पे आप अपना जो है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तक के जो डिटेल्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ऐड मोर का बटन मिला हुआ, इस तरह से जो आप अपना इस तरह से बढ़ा सकते हैं कॉलम को, यहाँ से आप जो है हटा भी सकते हैं क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करके, तो इस तरह से आप जो है हटाएंगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है प्रोफेशनल या एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो उस चीज़ को भी यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी कॉलम यहाँ पे जुड़ जाएगा और इसमें आप अपने हिसाब से जो है क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। तो दो क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले आपको जो है एग्जामिनेशन पास, कौन से एग्जाम आपने पास किया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से लिखेंगे 10th इस तरह से, या मैट्रिक भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कौन से ईयर में आप, कौन से मंथ में आपने पास किया, ईयर ऑफ मंथ, तो यहाँ पे मई अप्रैल जून कब आपका रिजल्ट घोषित होता है, मार्कशीट आपको मिला होगा उस पर पता होगा ये बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको ईयर बताना है कि कौन से ईयर में आप जो है मैट्रिक पास किए हैं, बोर्ड का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, टोटल एग्रीगेट कितना आपको मार्क्स मिला हुआ है, कितना परसेंट उसका बना है, इस तरह से आप बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको डिवीजन बताना है 1, 2, 3 करके, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड है तो 2 लिखिएगा, थर्ड है तो 3 लिखिएगा। फिर आपको जो यहाँ पे बताना है कि आपका फुल टाइम है कि पार्ट टाइम है या डिस्टेंस वाला है, इस तरह से देखिए आपका इस तरह से ऐड हो गया। उसी तरह से आप जो यहाँ पे 12वीं के डिटेल्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो कब पास किए 12वीं, उसका पासिंग ईयर कब रहा है, इस तरह से क्या करेंगे ऐड करेंगे, बोर्ड का नाम, फिर आपको कितना, सेम उसी कंडीशन में आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ग्रेजुएशन किए तो ऐड मोर पे क्लिक करके ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सेम उसी कंडीशन में यहाँ पे आपको जो एडिशनल, जैसे कि मान लीजिए DCA ADCA वगैरह है, तो इस चीज की जानकारी यहाँ पे क्या करेंगे ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको अपडेट करना है, जिसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जो है आपके कुछ और जानकारी पूछी जा रही है, जैसे पूछ रहा है कि सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, क्या आपने जो है रिकॉग्नाइज बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी पास किया, आपको यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे आपको डिटेल्स में लिखना है। आप यहाँ पे लिखे यस आई हैव, इस तरह से जो है लिखेंगे पास्ट, ठीक है ना, फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड आई हैव पास्ट 12th, इस तरह लिखेगा 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड कॉलेज नेम इज डैश, इस तरह से क्या करेंगे आप जो है थोड़ा सा जानकारी लिख देंगे, तो ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। उसी तरह से क्या करेंगे, वर्किंग ऑन कंप्यूटर विथ स्पीड नॉट लेस देन 6000 की डिफ्रेशन पर आवर, आपको यहाँ पे यस करना है और उसके बारे में बताना है कि आपको जो कितना स्पीड है। यहाँ पे लिखिएगा हाँ मैं जो है 6000 की डिफ्रेशन पर आवर जो है स्पीड के साथ कंप्यूटर पर काम करता हूँ, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश आपको यस करना है, बोलना यहाँ पे लिखना है डिटेल्स में, नहीं लिखेंगे तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, डिटेल्स आपको लिखना मैंडेटरी है। फिर यहाँ पे बैचलर डिग्री डिजरेबल आपको यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे उसकी जानकारी आपको जो है बता देनी है। उसके बाद यहाँ पे अ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको यहाँ पे यस करना है और कंप्यूटर कोर्स की जानकारी को यहाँ पे जो है आपको बताना है कि आपने ADCA DCA में और क्या क्या करते हैं, आप जो यहाँ पे क्या क्या जानते हैं, ये चीज़ आपको मेंशन करना है। फिर पूछ रहा है अबाउट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सिमिलर कोर्स, मतलब जो है जो वर्क आपको, मतलब जिस वर्क के लिए आप आवेदन दे रहे हैं उस वर्क में आपको जो है गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडी द्वारा जो है एक्सपीरियंस अगर है तो यस करेंगे, जानकारी हमें बता देंगे, नहीं आता है पे नो करेंगे। फिर यहाँ आपको अपडेट करना है, जिसे फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जो है एक्सपीरियंस की जानकारी मांगी जा रही है कि डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं भरेंगे ये आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। अब इस केस में क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा वो लोग गड़बड़ी किए हुए हैं, क्यों, क्योंकि जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें मेंशन किया गया साफ साफ कि आपका जो है डिजरेबल में अगर आप हैं, डिजरेबल में एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप यहाँ पे दीजिए, नहीं रखते हैं तो आप फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ी यहाँ पे चल रही है। तो इस केस में फ्रेंड्स आप जो है मेल कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, यहाँ पे आप जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाएंगे और हेडक्वार्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है NIOS के रिगार्डिंग जो है आप मेल करें कि एक्सपीरियंस डिजरेबल में रखा गया है और अगर डिजरेबल है तो उसमें क्यों जो है एक्सपीरियंस मैंडेटरी किया गया है, समझ रहे ना, तो इस तरह से आप जो है मेल कर सकते हैं। मैंने भी मेल किया हुआ है 1-2, अगर मेल का रिप्लाई आता है तो अवश्य आप लोग को मैं कन्फर्म करूंगा। बाकी यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी है, आप इस पर भी बातें करें, ठीक है ना, और बताएं इस चीज़ को कि यहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं डिजरेबल में बोल के और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मैंडेटरी किया गया है, तो इस चीज़ को आप जो है मेल कर सकते हैं। बाकी मेल का रिप्लाई आएगा तो मैं आपको जो है अवश्य कन्फर्म करूँगा। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी बोला गया है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप अगर यहाँ तक भर दिए हैं तो आप यहीं पे रुक जाएं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो, और आप जो है दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं, फॉर्म यहीं से खुलेगा, बाकी आप यहीं पे रुक जाएं 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आप देखें कि भाई दबा यहाँ पे हट गया कि नहीं हटा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बात करते हैं और जो एक्सपीरियंस धारक है वो लोग यहाँ पे अपना जो है बताएंगे कि पास्ट में या प्रेजेंट में भी कोई एक्सपीरियंस है, आप काम कर रहे हैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है और कब से कब तक आपका डेजिग्नेशन क्या रहा है, कब से कब आपने जो है काम किया हुआ है, उसके वजह से पे स्केल क्या रहा है, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या रहा है, एक्शन यहाँ पे और भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करके और भी आप एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड करना है, अपडेट करना है। जिसे अपडेट करेंगे यहाँ पे आपको जो है पूछ रहा है एडिशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोई लिए हैं तो यस करेंगे तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे भरेंगे, अगर आप रियली में किए हुए तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स को जरूर आप भरेंगे, नहीं क्या तो नो करेंगे। फिर पूछ रहा है वर्किंग एक्सपीरियंस ओवर द अबव प्रिस्क्राइब इन वैकेंसीज, आपको यहाँ पे यस नो बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिसर्च एंड पब्लिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि आपने रिसर्च किया हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे अवार्ड स्कॉलरशिप या ऑफिशियल अप्रिसिएशन कोई मिला आपको तो यस करेंगे तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे जो है अफिलिएशन किए हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे तो नो करेंगे। फिर पूछ रहा है कि एनी अदर इन्फॉर्मेशन, अगर एनी अदर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपडेट करना है, अपडेट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा इसको क्लिक करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे देखिए अपलोड करना है। अब इसमें क्या क्या अपलोड करना है तो देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर एक एक करके अपलोड करेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप पासपोर्ट अपलोड कर लेंगे, चूज करेंगे उस पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ पे चूज करेंगे, अपलोड करेंगे तो यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपीयर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर, उसी तरह से आधार कार्ड, फिर यहाँ पे जाति सर्टिफिकेट, फिर आपको एड्रेस प्रूफ में जो है आप अपना आधार कार्ड फिर से अपलोड करेंगे। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है तो यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है आप यहाँ पे ऐड करेंगे, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे एम्प्लॉयर डिटेल्स, एडिशनल कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे एक एक करके जो चूज कर करके अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है फाइनल सबमिट वाले बटन पे फिनिश पे क्लिक करना है, जिससे फ्रेंड्स आप सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करके देखिए यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से आ रहा है सिग्नेचर, फोटो, कास्ट, आधार, एड्रेस प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आधार कार्ड, तो इस तरह से आप क्या करेंगे बारी बारी से सबको जो है अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, फिनिश करने का ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे आपको देखिए पे करने का ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार जो है फाइनल करने से पहले सबको क्या करेंगे एक बार अच्छे से जो है इस तरह से क्लिक कर करके जो है देख लेंगे कि जो भी आपने जानकारी फिल करा है सब चीज़ सही कि नहीं है। अगर कोई इसमें मिस्टेक होगा तो आप इसे क्या करेंगे सुधारेंगे। नहीं, यहाँ एडिट का सेक्शन बना हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, हर एक सेक्शन में एडिट का सेक्शन बना हुआ है। फाइनल सबमिट करने से पहले, पेमेंट जमा करने से पहले एक बार मिला लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको जो इसमें से कोई भी यूपीआई आईडी का करना है चूज करना है। फिर यहाँ पे आपको जो पे नाउ पे क्लिक करना है, जिसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे चले जाएंगे पेमेंट गेटवे पे, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी जमा करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन भी लग रहा है, पे विथ बोल रहा है इसमें से किसके द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्या है, यूपीआई है, जो भी आपके पास है चूज करेंगे, और आप जो पेमेंट करके इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लॉग इन करने के फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखिए लॉग इन करने का ऑप्शन मिल जाएगा डीएस हेल्पिंग फॉरवर की वेबसाइट पे, और यहाँ से जो है आप लॉग इन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन आपको खुल के आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा, अपने दोस्तों में शेयर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।